है दोस्तों, कैसे हैं आप? हम सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाउ टू टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, आज हम ये देखने वाले हैं कि आजकल बहुत बूमिंग चल रही है जियो फोन। मतलब पहले तो जियो ने एकदम धमाका कर दिया था 1 साल पहले, और आज हम ये देख रहे हैं कि जियो ने एक फ़ोन लॉन्च किया है। दैट इज़ एक स्मार्टफोन नहीं है, वो एक बेसिक फ़ोन है, फीचर्ड फ़ोन है। बट उसमें भी ऐसे फीचर्स आपको मिलेंगे डेफिनेटली कि जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे, और हर कोई जो है वो उसे खरीदना चाहता है आज के दिन में। तो दोस्तों, हम यही देखने वाले कि फ़ोन कैसा है, प्राइस उसकी क्या हो सकती है, स्पेसिफिकेशन जो है डेफिनेटली क्या क्या होंगे। चलो दोस्तों, वही तो मैंने देखते जो हैं। है वो जियो का वेबसाइट ओपन कर लिया है, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जियो का जो फ़ोन है वो आपको दिख रहा है। दोस्तों, ये इस तरीके का जो है फ़ोन मिलेगा आपको। अगर आप खरीदना चाहते हैं डेफिनेटली ये फ़ोन आपको मिलेगा। एक बेसिक फ़ोन फीचर्स देख सकते हैं आप इसमें, इसकी जो स्पेसिफिकेशन भी देख लेते हैं हम। बट इसमें क्या क्या होगा, आप कॉल कर सकते हैं, SMS, जियो म्यूज़िक, सिनेमा, ब्राउजिंग, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। जो एक बेसिक फ़ोन और एक स्मार्टफोन में भी थोड़ी चीज़ें अवेलेबल होती है। दोस्तों, ये इसका स्पेसिफिकेशन अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो डेफिनेटली ये हमारा इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जैसे कि हिंदी, मराठी, गुजराती, ऐसे लैंग्वेजेस को। उसके बाद में जो है वो आप इसे टीवी से भी अपने कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आजकल हर कोई चाहता है कि मैं मोबाइल में कुछ प्ले करूँ एंड वो टीवी पे दिखे, तो इसे एक स्मार्टफोन जैसा हम टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसकी जो टेक्निकल ये है स्पेसिफिकेशंस है वो इस तरह की है कि स्क्रीन जो आपको यहाँ पे मिलेगी वो 2.4 इंच की जो है वो स्क्रीन मिलेगी। स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है वो आप देख सकते हैं 220x240 का स्क्रीन रेजोल्यूशन जो बेसिक फ़ोन में देखने को मिलता है वो हमें मिलेगा। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख सकते हैं काई OS ये है। और दोस्तों, और एक देखने वाली बात है कि इसमें जो सिम लगेगा दैट इज़ नथिंग बट अ सिंगल सिम, ये कोई डबल सिम फ़ोन नहीं है, इसमें एक सिंगल सिम लगेगा जिसमें जियो का ही सिम आप लगा सकते हो। उसके बाद में जो सिम लगेगा दैट इज़ नैनो सिम, एक सबसे छोटा जो सिम आजकल अवेलेबल हो रहा है दैट इज़ नैनो सिम, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आपको इसके साथ हैंडफोन, हेडसेट, बैटरी, चार्जर, अडेप्टर, ये सारी चीज़ें जो है वारंटी कार्ड के साथ एक मिल जाएगी। रैम जो है दोस्तों, इसका देखा जाए तो 512 जो है वो इसका रैम है। बैटरी कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है, अगर आप एक बार चार्ज करोगे तो डेफिनेटली 5-6 दिन तो मुझे लगता है आराम से निकल जाएंगे। 200 mAh की बैटरी है। स्टैंड बाय मोड जो दिया हुआ है बैटरी का वो है 15 days। उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी, इंटरनल मेमोरी 4 GB है और एक्सपेंडेबल है अप टू 128 GB, आप इसमें मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। कैमरा जो देखा जाए दोस्तों, फ्रंट जो है सेल्फी जिससे हम लेते हैं स्मार्टफोन में दैट इज़ 0.3 MP, और रियर का जो है मतलब फ़ोटो जिससे हम लेते हैं दैट इज़ 2 MP। वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। मल्टीमीडिया दोस्तों, MP3 जो कॉमन, वीडियो जो है बहुत सारे फॉर्मेट्स है यहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग सॉरी वीडियो जो है उसमें चलेंगे। लाउड स्पीकर अगेन, अगर आप कॉल करते हैं लाउड स्पीकर भी है इसमें। बेसिक फ़ोन में जो सारी चीज़ें होती है वो यहाँ पे मिल रही है हमें, और कॉल के टाइम रिंगटोन, वाइब्रेशन, ये सारी चीज़ें होगी। कनेक्टिविटी में दोस्तों हम देख लेते हैं कि 4G है, वोल्ट सपोर्ट करता है, वीडियो कॉलिंग, HD कॉलिंग हो सकती है यहाँ से, वाईफाई भी सपोर्ट करता है। दोस्तों, एक बेसिक फ़ोन में जो है ये सारे फीचर नहीं होते, बट इसमें जो है वाईफाई भी आपको मिलेगा। ब्लूटूथ का जो है एडवांस वर्जन मिलेगा, ब्लूटूथ 4.1। GPS भी दोस्तों देखिए मिल रहा है, एक बेसिक फ़ोन में तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं है। GPS भी जो है आपको मिल रहा है, मतलब एक स्मार्टफोन का ही ये समझ सकते हैं इसको। ईमेल सपोर्ट भी यहाँ पे दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का हमें मिल रहा है। इंडियन लैंग्वेजेस, जैसे मैंने फर्स्ट बताया, स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि 22 languages में इसका जो है वो सपोर्ट करेगा। जियो ऐप्स भी सपोर्ट करेगा, जैसे जियो TV, जियो सिनेमा, हेलो जियो, जियो गेम्स, जियो शेयर, इस तरह का। एंड आप इसमें से क्या क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, और जो बेसिक फीचर जो होते हैं वो यहाँ पे तो है ही। आप इसे टीवी से केबल से जो है कनेक्ट कर सकते हैं, एंड अदर जो इसमें दिया हुआ है वो सारी ये जो फीचर्स है वो आपको दिख ही रहे हो।
और दोस्तों इसको अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाके हम जो है वो ख़रीद सकते हैं। यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ, और यहाँ पे जो है वो आपका पूरा नाम दीजिए, नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, पिन कोड, ये सारी आप जो चीज़ें आप डेफिनेटली आप फिल कीजिए, उसके बाद में सबमिट कीजिए तो आप रजिस्टर हो जाएंगे और अगले महीने से जो है वो आपको ये फ़ोन है वो मिलना चालू हो जाएगा। दोस्तों ये जो सारी प्रोसेस है वो आपको करनी है अगर आपको जियो फ़ोन लेना है, ख़रीदना है। और ये दोस्तों बेसिक फ़ोन के साथ साथ एक मुझे एडवांस फ़ोन भी लग रहा है, जो बेसिक फ़ोन में जो फीचर्स होते हैं वो तो है ही इसमें, बट एक एडवांस फीचर्स भी इसमें दिखाते हैं कि कॉलिंग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने देखा जियो के बारे में, तो ऐसी वीडियोस हम जो है वो डेली अपलोड या वीकली जब भी हमें एक नया टॉपिक मिलता है हम ज़रूर अपलोड करते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेफिनेटली, क्योंकि आपका सपोर्ट अगर मिलेगा डेफिनेटली हम इसे इस चैनल को जो है वो आगे बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, आपको अगर इसमें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।